subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों स्टार प्लस पर 10 साल से चल रही कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कहानी में पहले तो नायरा की माँ अप्सरा ने रिश्तों की डोर को संभाल कर रखा, वहीं अब नायरा ये काम कर रही है। जहां पर आपको बता दें कि नायरा सिंघानिया हाउस वापस आ गई है, जहां पर नक्स को लगता है कि कायरा अब अपने पापा के बिना नहीं रह पाएगा। उधर वेदिका को भी पता लग चुका है कि कार्तिक नायरा के बिना नहीं रह पाएगा, जिसके चलते वेदिका पहुंच गई है सिंघानिया हाउस और तमाशा खड़ा कर देती है, जहाँ वेदिका कार्तिक को कह देती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सबको अपना लूँगी लेकिन नायरा को नहीं। तो कार्तिक कहता है कि इसमें नायरा कहाँ से आ गई, तो वेदिका कहती है कि नायरा बीच में ही तो है, जहाँ पर कार्तिक जब वेदिका के मुंह से ये बात सुनता है तो चौंक जाता है। वहीं अब कहानी में नायरा भाभी माँ और देवयानी माँ से बात करते हुए भावुक हो जाती है, जहाँ आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर कायरा भी ये सब देख लेता है। फिर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जहाँ पर नायरा भाभी माँ और देवयानी कायरव की बात को सुनकर चौंक जाते हैं। तो दोस्तों अब कहानी का अंदाज जो है वो अलग ही दिखने वाला है, क्योंकि सीरियल की कहानी के अंदर जो टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जहाँ कायरव एक बार फिर कुछ ना कुछ अलग करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इस सीरियल की कहानी के अंदर जो टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे उसके हर अपडेट को लेकर आप सभी फैंस के बीच एक बार फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।